हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फैट चिकन बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये हाफ केजी बोनलेस चिकन लिया है। और इसमें अब मैं ये 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है ये ऐड करूँगी। ये 1 नींबू का रस है ये भी इसमें मैं ऐड करूँगी। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च, और ये एक अंडा, ये अंडा भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसको अच्छे से मैरिनेट कर देंगे ताकि हमारे सारे मसाले इसमें मिल जाएं। और इसको फिर हम आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे ताकि जो मैरिनेशन है अच्छे से चिकन में मिक्स हो जाए। आप चाहें तो उसको फ्रिज में भी आधे घंटे के लिए रख सकते हैं। ये देखिए, सारा सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है। ऐसे अब मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, चिकन को मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब आधे घंटे बाद मैं इसके लिए ये मैदा है जो मैं 4 टेबलस्पून ले रही हूँ, ये चावल का आटा है ये भी मैं 4 टेबलस्पून ही ले रही हूँ, ये गार्लिक पाउडर है जो 1/2 टीस्पून ले रही हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्च, और हल्का सा ही नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम चिकन को इस आटे से कवर अप करेंगे, कोटेड हो जाएगा। अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि जो आटे की लेयर अच्छे से इस पर चढ़ जाए। और ऐसे डस्ट करके हम इसको यहाँ रख देंगे। ऐसे ही हम अपने और चिकन के पीसेस को ऐसे ही कोटेड कर लेंगे। और हल्का सा झाड़ के साइड में रख देंगे। 1 बाय 1 हम अपने सारे चिकन के पीसेस को ऐसे ही कोटेड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जो चावल का और मैदे का आटा था उससे हमने चिकन को कोटेड कर लिया है। अब मैं इसे डीप फ्राई करने के लिए डालूंगी। तेल मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया था। एक एक करके आराम से आप एक साथ बहुत सारे पीसेस भी नहीं डालिएगा,
नहीं तो तेल का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और वो उतना क्रिस्पी नहीं हो पाएगा चिकन हमारा। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्रिस्पी हुआ है। ऐसे ही मैं बाकी का चिकन भी फ्राई कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्राइड चिकन रेडी है।